तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों अगर आप दीपक हुड्डा को एक बहुत ही अच्छा फिनिशर मानते हैं पंजाब किंग्स के लिए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और एंड तक देखिए। तो दोस्तों आज दीपक हुड्डा ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने पहले मैच में 2021 में उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। तो दोस्तों आज दीपक हुड्डा ने अपने करियर का 350 लगाया। दीपक हुड्डा ने 28 गेंदों में 64 रन बनाए। इस इनिंग्स में उन्होंने 6 छक्के और 4 चौके लगाए। दीपक हुड्डा जब बल्लेबाजी करने आए तब किंग्स 11 पंजाब का स्कोर था 89 पर 2 विकेट। जब क्रिस गेल आउट हुआ तो दीपक हुड्डा आए, तो दीपक हुड्डा ने आते ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने पहले सिराज गोपाल को एक चौका मारा, उसके बाद एक ही ओवर में शिवम दुबे के 2 छक्के, सिराज गोपाल को 3 छक्के लगाए एक ही ओवर में। आखिर में उन्होंने 1 छक्का लगाकर अपना अर्धशतक 20 गेंदों में पूरा किया, जो कि इस सीजन फास्टेस्ट 50 है। 20 बॉल में उन्होंने 50 रन पूरा किया, लेकिन आखिर में वह क्रिस मॉरिस के गेंद पर आउट हो गया रियान पराग ने कैच लप के। दीपक हुड्डा ने इस मैच में 228 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने 28 गेंदों में 64 रन बनाए। इसी के बदौलत पंजाब की एक बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच गया है।